हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जीआई टैग्स यहाँ पर देखने वाले हैं 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स को मिला है, साथ ही पुराने भी कुछ रिवीजन करेंगे उनका। शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कांगड़ा टी गॉट द यूरोपियन जीआई टैग। कांगड़ा टी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, जिसे यूरोपियन जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है। कांगड़ा टी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से गॉट प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ग्रांटेड बाय यूरोपियन कमीशन। और इंडियन गवर्नमेंट जो है, इसने जीआई टैग दिया था कांगड़ा टी को 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स सुंदरचा मैंगो एंड गजक गॉट जीआई टैग रिसेंटली। तो ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, सुंदरचा मैंगो और गजक। सुंदरजा मैंगो रीवा डिस्ट्रिक्ट से है और गजक मुरैना की है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। विच स्टेट्स गोंड पेंटिंग गॉट जीआई टैग रिसेंटली। गोंड पेंटिंग जो है, ये भी एमपी से बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश से। गोंड आर्ट जो प्रैक्टिस की जाती है बाय गोंड ट्राइब, ये गोंड ट्राइब जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ है भारत की। विच स्टेट्स कम्बम ग्रेप्स गॉट जी आई टैग रिसेंटली। कम्बम ग्रेप्स जो हैं, ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, ऑल्सो नोन एज कम्बम पनीर थ्राचाई, जो कि कम्बम ग्रेप्स भी इनको कहते हैं। कम्बम वैली में ये देखने को मिलते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है तमिलनाडु की। ये जो कम्बम वैली है ना, इसे ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। विच स्टेट्स आदम चीनी राइस गॉट जीआई टैग रिसेंटली। तो ये जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं आदम चीनी राइस। बेसिकली चार प्रोडक्ट्स हैं यूपी से जिन्हें जीआई टैग मिला है, ये हैं बनारसी पान, लंगड़ा मैंगो, रामनगर भाटा और चंदौली की आदम चीनी चावल या आदम चीनी राइस। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड फेमस बनारसी पान यूपी का। विच स्टेट्स नागरी दुबराज राइस वेराइटी हैज़ गॉट जीआई टैग। ये जो राइस वेराइटी है कहाँ से बिलोंग करती है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स एरोमेटिक मर्चा राइस गॉट जीआई टैग। मर्चा राइस बिहार का है, जिसे जीआई टैग अभी रिसेंटली दिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडियाज जीआई टैग लिस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इसमें टॉप किया है हमारे केरला ने। किस तरह से टॉप किया है? 2022-23 में कौन सा स्टेट है जिसके प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिया गया है? तो वो केरला है। रिसेंटली विच स्टेट्स नरसिंह पेटई नागस्वरम गॉट जी आई टैग। तो नरसिंह पेटई नागस्वरम जो है, नाम से ही पता चल रहा होगा साउथ इंडिया का है, तो बेसिकली ये तमिलनाडु का जी आई टैग है। आप यहाँ पर इसको देख रहे होंगे, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट है, जो आचामारम ट्री से बनाया जाता है। तमिलनाडु के कुछ अदर जीआई टैग्स देखें तो सबसे पहले है करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, आप ये पेंटिंग देख रहे होंगे, तमिलनाडु की है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी क्लोव, क्लोव यानी कि लौंग, तो इसमें कन्याकुमारी की जो लौंग है इसे मिला हुआ है जीआई टैग, तमिलनाडु की है। फिर उसके बाद है कल्लाकुरुची वुड कार्विंग्स। कल्लाकुरुची जगह का नाम है और यहाँ पर कुछ लकड़ी के खिलौने या फिर वुड कार्विंग्स बनाए जाते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्पेसिफिक हैं, उसी जगह के वहीं पर बनाए जाते हैं इस तरह के। ठीक है, स्पेशलिटी है वहाँ की, तो इनको भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अब, विच स्टेट हैज़ गॉट जीआई टैग फॉर वाडा कोलम राइस। वाडा कोलम राइस जो है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इन्हें भी दिया गया जी आई टैग। महाराष्ट्र के कुछ अदर प्रोडक्ट्स देखें जी आई टैग से रिलेटेड, तो वाइट अनियन अलीबॉग है, वाइट अनियन ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जलगांव बनाना, जलगांव बनाना कुछ इस तरीके का दिखता है। और फिर है कोल्हापुर जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़, कोल्हापुर की जैगरी, इसको भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का है और जी आई टैग दिया गया है। फिर उसके बाद है घोवद सपोता या फिर चीकू, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गमोसा गॉट जीआई टैग रिसेंटली। ये बेसिकली एक तरह का क्लोथ होता है, कपड़ा होता है, आप यहाँ पिक्चर में भी इसको देख रहे होंगे, गमोसा। ये कहाँ से बिलोंग करता है? असम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। असम के जीआई टैग देखें कुछ अदर, तो जुडीमा राइस वाइन, चावल जुडीमा चावल जो है उससे एक वाइन बनाई जाती है, असम की स्पेशलिटी है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। फिर है काजी नेमू, ये पिक्चर में आप इसको देख रहे हैं। और फिर है तेजपुर की लीची, ये भी कहाँ से बिलोंग करती है? असम से, और इसे जीआई टैग दिया गया है। विच स्टेट्स तंदूर रेड ग्राम गॉट जीआई टैग रिसेंटली।
क्या है ये? तंदूर, रेड ग्राम, तो पिजन पी होती है ना, तूर दाल, उसी का नाम है ये। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तंदूर रेड ग्राम, लोकल वैरायटी ऑफ पिजन पी, दैट इज़ तूर दाल। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, तंदूर रेड ग्राम। तेलंगाना के कुछ और जीआई टैग्स देखें तो पुट्टा पका तेलिया रुमाल कुछ इस तरह का दिखता है, तेलंगाना का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। कुमाऊं च्यूरा ऑयल ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग? अब देखिए कुमाऊं यहाँ पर आ गया, तो कुमाऊं कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, तो आप इसी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। कुमाऊं च्यूरा तेल, ये जो है च्यूरा या फिर इंडियन बटर ट्री जो होता है उससे इस तेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये लार्जली कहाँ पाया जाता है? तो हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड में पाया जाता है, इसीलिए वहाँ की स्पेशलिटी है और इसे उत्तराखंड में, उत्तराखंड की ओर से जीआई टैग इसको दिया गया। उत्तराखंड के कुछ और जीआई टैग देखें तो मुनसियारी राजमा जो है यहाँ का, इसे जीआई टैग दिया गया है। फिर नेक्स्ट है भोटिया डन, एक तरह का क्लोथ है और जो यहाँ की स्पेशलिटी है, जीआई टैग इसको मिला है। और फिर है आइपन आर्ट, आइपन आर्ट ये कुछ इस तरह की दिखती है, फेस्टिवल्स में, शादियों में इस तरह की आर्ट डिज़ाइन की जाती है और उत्तराखंड का ये जीआई टैग है। फिर नेक्स्ट है रिंगल क्राफ्ट, ये जो लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं ना, टोकरियाँ वगैरह वो सब सामान है। उसके बाद है थुलमा ब्लैंकेट है एक तरह का, ये भी उत्तराखंड का है। और उसके बाद है तेज पत्ता, फर्स्ट जीआई टैग ऑफ यूके तेज पत्ता था। तेज पत्ता आप खाने में, सब्जियों में या उसमें यूज़ होता है तेज पत्ता, तो ये उत्तराखंड का पहला जीआई टैग था, तेज पत्ता इसको भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है विच स्टेट्स मिथिला मखाना गॉट जीआई टैग रिसेंटली? मिथिला मखाना कहाँ का है? ये मखाना जो है यहाँ की स्पेशलिटी है, बिहार का है जिसे जीआई टैग दिया गया था। बिहार के कुछ और जीआई टैग्स देखें तो जरदालू आम जो है, जरदालू मैंगो, इसको जीआई टैग दिया गया है। फिर मगही पान, बिहार का मगही पान जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया। कतरनी चावल या कतरनी राइस, ये भी जीआई की कैटेगरी में आता है जो बिहार से है। और फिर मधुबनी पेंटिंग, वर्ल्ड फेमस द मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, बहुत सुंदर भी होती है। और कहाँ का जीआई टैग है? ये बिहार का मधुबनी पेंटिंग। विच स्टेट्स हाथी चिली या फिर एलिफेंट चिली हैज़ गॉट जी आई टैग रिसेंटली? एलिफेंट चिली कहाँ की है? ये है मणिपुर की, आप ये देख रहे होंगे। मणिपुर के कुछ अदर जी आई टैग देखें तो तामेंगलोंग ऑरेंज जो है ये मणिपुर का है। इसके अलावा चकाओ, मणिपुरी ब्लैक राइस जो होते हैं, चकाओ राइस, ब्लैक कलर के राइस ये होते हैं, मणिपुर के हैं, जी आई टैग मिला है। फिर कचाई लेमन, ये भी कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट्स कुटिया टूर मैंगो गॉट जी आई टैग रिसेंटली? तो ये जो मैंगो है बिलोंग करता है केरला से, नाम भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, साउथ इंडिया का ही है। और अदर कुछ जी आई टैग्स देखें केरला के तो एडायूर चिली जो है ये भी केरला की है। और उसके बाद अदर प्रोडक्ट्स देखें तो लेटेस्ट है जो केरला से है उन्ना तुकारा सिसम, फिर तिरूर बीटल लीफ, तिरूर पान का पत्ता जो है ये भी केरला का है, स्क्रू पाइन क्राफ्ट, फिर उसके बाद कैपर्ड राइस, मालाबार पेपर और कासरागोड सारीज, ये जो हैं ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जीआई टैग केरला से। विच स्टेट्स खोला चिली गट जीआई टैग रिसेंटली? तो ये खोला चिली जो है गोवा से बिलोंग करती है। गोवा के कुछ अदर जीआई टैग्स देखें तो मिंडोली बनानास जो हैं ये गोवा के हैं, फिर हरमल चिली ये भी गोवा की है, हरमल चिली भी गोवा की है, खोला चिली भी गोवा की है। और फेनी एक तरह की लिकर होती है, ये भी गोवा की है जिसे जीआई टैग दिया गया है। विच स्टेट्स कंधमल हल्दी गॉट जीआई टैग रिसेंटली? कंधमल हल्दी जो है ये बिलोंग करती है ओडिशा से जिसे जीआई टैग मिला है। कुछ अदर देखें तो रसगुल्ला जो है ओडिशा का, इसको जीआई टैग मिला है। कोणार्क स्टोन कार्विंग जो है ये भी जीआई टैग में शामिल की गई है। फिर उसके बाद है विच स्टेट और यूटीज रक्त से कार्पो एप्रिकॉट गॉट जीआई टैग रिसेंटली? तो ये आप देख रहे होंगे एक फ्रूट है एक तरह का, और इस ये लद्दाख से बिलोंग करता है, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट, खुबानी इसको हिंदी में बोलते हैं, एक तरह का फ्रूट है जिसे जी आई टैग दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्वीट कुकुम्बर गॉट जी आई टैग रिसेंटली? तो ये जो है स्वीट कुकुम्बर ये किस स्टेट का है? नागालैंड का है जिसे जी आई टैग दिया गया। नागालैंड के कुछ अदर प्रोडक्ट्स देखें तो नागा मिर्चा जो है इसे जीआई टैग मिला है, नागा ट्री टोमेटो और चाखेसंग शॉल जो है इसे भी नागालैंड की तरफ से जीआई टैग दिया गया है। रिसेंटली विच स्टेट सोजत मेहंदी गॉट जीआई टैग? सोजत मेहंदी ये बिलोंग करती है राजस्थान से,
अदर जीआई प्रोडक्ट्स देखिए राजस्थान के, तो कोरा दोरिया, फिर कठपुतलीज ऑफ राजस्थान जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, बीकानेरी भुजिया आप लोगों ने भी खाई होगी, और सिर्फ राजस्थान में नहीं हर जगह मिलती है, लेकिन जीआई टैग कहाँ के लिए इसको मिला है, राजस्थान के लिए। फिर बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये भी राजस्थान का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। विच स्टेट्स गोरखपुर टेराकोटा हैज़ गॉट जीआई टैग रिसेंटली? गोरखपुर टेराकोटा ये कहाँ का है, तो ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही ये जगह भी है गोरखपुर, तो आप इससे थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूपी के कुछ और जीआई टैग्स देखें तो कन्नौज परफ्यूम, कन्नौज भी यूपी में एक जगह है, तो वहाँ का परफ्यूम फेमस है जिसके लिए उसे जीआई टैग मिला है। रतौल मैंगो, इसके लिए जीआई टैग मिला है, और काला नमक राइस, ये भी उत्तर प्रदेश से इसे जीआई टैग दिया गया है। चिन्नूर राइस ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग रिसेंटली? तो चिन्नूर राइस मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चिन्नूर राइस पहला एग्रो प्रोडक्ट है एमपी का जिसे जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है। और अदर प्रोडक्ट्स देखिए एमपी के, तो महेश्वर साड़ीज़ एंड फैब्रिक्स, फिर उसके बाद झबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था आपको याद होगा। फिर बाघ प्रिंट जो है एमपी के, उन्हें जीआई टैग दिया गया, और रतलामी सेव को भी जीआई टैग मिला गया। ये सारे प्रोडक्ट्स एमपी से बिलोंग करते हैं। विच स्टेट्स भलिया व्हीट गॉट जीआई टैग? भलिया व्हीट जो है, भलिया गेहूँ, ये गुजरात से बिलोंग करता है। गुजरात के कुछ और जीआई टैग्स देखें तो तंगलिया शॉल है, गिर केसर मैंगो है, उसके बाद सनखेड़ा फर्नीचर है, राजकोट पटोला, सूरज जरी क्राफ्ट, सूरत जरी क्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं गुजरात के हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। विच स्टेट्स सोहराई खोवर पेंटिंग हैज़ गॉट जीआई टैग? सोहराई खोवर पेंटिंग ये बिलोंग करती है झारखंड से। पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे बड़ी सुंदर सी पेंटिंग है, ये ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है, कहाँ की, झारखंड की। विच स्टेट्स जीरा फूल राइस हैज़ गॉट जीआई टैग? जीरा फूल राइस जो है ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और देखिए राइस बहुत सारे हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, तो आपको सारे याद रखने, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बाकी अदर देखें छत्तीसगढ़ के, तो बस्तर ढोकरा हैंडीक्राफ्ट है एक तरह का, बस्तर वुडन क्राफ्ट और बस्तर आयरन क्राफ्ट, इन सारे प्रोडक्ट्स को दिया गया है जीआई टैग। कांगड़ा टी ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग? कांगड़ा चाय जो है ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है, जिसे जीआई टैग मिला है। और हिमाचल प्रदेश के कुछ और प्रोडक्ट्स देखें तो चंबा रुमाल है, एक हैंडीक्राफ्ट है एक तरह का, किन्नौरी शॉल है, ये भी हैंडीक्राफ्ट है, और कुल्लू शॉल, ये तीनों शॉल हैं कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। और इसके अलावा कांगड़ा टी। विच स्टेट और यूटीज पश्मीना शॉल्स हैज़ गॉट जीआई टैग? पश्मीना शॉल ये कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। कुछ अदर देखें जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर सैफ्रॉन है, ये पिक्चर में देख रहे होंगे, उसके बाद है सोजानी क्राफ्ट, ये भी कश्मीर का है। इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग? इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स ये बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश से। विच स्टेट रिसीव्ड जीआई टैग फॉर गुलबर्गा तूर दाल, या फिर काला बुरागी रेड ग्राम भी इसको बोलते हैं, ये कर्नाटका से बिलोंग करता है। और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जीआई टैग्स किसके पास है, कर्नाटका के पास ही हैं। ये कुछ अदर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो नंजगुड़ बनाना जो है यहाँ का ही है कर्नाटका का, मैसूर सिल्क, फिर उसके बाद चन्ना पटना खिलौने, चन्ना पटना टॉयज जो हैं, और फिर सिरसी सुपारी और बाबा बुदान गिरीज अराबिका कॉफ़ी, ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ गए, कर्नाटका के, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। फिर यहाँ पर कुछ स्टेट्स के देखें तो वेस्ट बंगाल की है दार्जिलिंग टी, देश का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट किसको मिला था, ये दार्जिलिंग टी को मिला था। फिर वेस्ट बंगाल का ही है मधुर काठी बंगला रसगुल्ला जो है बंगाल का, उसको भी मिला हुआ है। ओडिशा के रसगुल्ले को भी मिला हुआ है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर क्वीन पाइनएप्पल है, मिजोरम में है मिजो पुआनशेई, एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है, और तावलो पुआन, ये भी एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है। फिर उसके बाद पंजाब का देखें तो फुलकारी जो पंजाब का है, फुलकारी एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है पंजाब का, इसको जीआई टैग दिया गया। और मेघालय में है खासी मंडारिन एग्रीकल्चरल फील्ड में, और मेमोंग नरंग, ये भी एग्रीकल्चरल फील्ड में, इन दोनों चीज़ों को दिया गया है मेघालय से जीआई टैग। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रिसेंटली विच स्टेट्स नरसिंहपेटई नागस्वरम गॉट जीआई टैग? ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, असम या फिर कर्नाटका। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।